अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मोहम्मद असलम खान के इस रिपोर्ट से। कोरंगी जमान टाउन में ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी टाउन गुलाम फरीद ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में महकमे जाती अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ अकाउंट ऑफिसर रुहेब शाह, डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर MNE अनवर शाह, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद आसिफ, डायरेक्टर पाक सैयद सरदार अली, डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद आमिर और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद सलीम, डिप्टी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट अदनान हबी और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। कोरंगी टाउन में ईद उल अज़हा के तीनों दिन साफ सुथराई का काम जारी रहेगा, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी गुलाम फरीद इन तमाम कामों की निगरानी करेंगे। इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले के साथ कोरंगी टाउन का अमला बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ काम करेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी गुलाम फरीद ने कहा कि सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई सुथराई के कामों का सिलसिला जारी रखने और मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। साफ सुथरा माहौल अच्छी और सेहतमंद माशरे की पहचान होता है। इसके लिए हमें बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ काम करने की जरूरत है। इस मौके पर खसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे, वहाँ से आलाइशें बर वक्त उठा लिए जाएंगी, क्योंकि बर वक्त आलाइशें न उठाने की वजह से इलाके में ताफुन फैलने का अंदेशा होता है। इसलिए जरूरी है कि इस अमल पर सबसे पहले तवज्जो दी जाए। ईद उल अज़हा के आने पर आलाइशों को फौरन उठाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तैयार की गई है। बाद अज़हा इसके साथ साथ चूने का छिड़काव और स्प्रे भी तमाम यूसेज में किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स लिए देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची।